दसवीं या बारहवीं परीक्षा पास करने के पश्चात यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं तो कुछ मिनट निकाल कर इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें इंजीनियरिंग फील्ड में कैरियर बनाने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन किया गया है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यह सत्र 2020-2021 के लिए है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सिरोही, सिरोही जिले का एकमात्र राजकीय तकनीकी संस्थान है जिसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में आवेदन एवं ऑप्शन फॉर्म भरने का माध्यम इंटरनेट से SSO ID द्वारा या ईमित द्वारा है। आवेदन एवं ऑप्शन फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि 10 अगस्त 2020 है और आवेदन एवं ऑप्शन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2020 है। आवेदन करने एवं विस्तृत जानकारी हेतु लॉगिन करें www.dte.rajasthan.gov.in या www.ste.rajasthan.gov.in वेबसाइट्स पर। पाठ्यक्रम की अवधि और न्यूनतम योग्यता इस प्रकार है। दसवीं पास छात्रों के लिए 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम है और उन्हें प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जाता है। दसवीं पास छात्रों के लिए न्यूनतम 35% अंकों का होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम जिसमें छात्र आवेदन कर सकते हैं वे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स है। बारहवीं पास अथवा ITI पास छात्रों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 वर्ष का है और उन्हें द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाता है। बारहवीं पास छात्र के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में पास होना आवश्यक है और ITI पास छात्र के लिए 2 वर्ष का ITI सर्टिफिकेट पास होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम जिसमें छात्र आवेदन कर सकते हैं वे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। 2020 और 2021 में द्वितीय वर्ष में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि यह पाठ्यक्रम 2020-21 से ही प्रथम वर्ष में आरंभ हो रहा है। विभिन्न कैटेगरी में छात्रों से ली जाने वाली फीस इस प्रकार से है। SC ST के जो भी छात्र आवेदन करेंगे उनके लिए कुल फीस 8,350 रुपये है। छात्राओं के लिए फीस 7,850 रुपये है और दूसरी कैटेगरी में जो OBC, EBC, SBC और बॉयज हैं वह जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 12,500 फीस है और यह फीस छात्र 2 इंस्टॉलेशन में दे सकता है। संस्थान में स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यह स्कॉलरशिप सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप एंड प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज के लिए दिया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से भी स्कॉलरशिप का प्रावधान है। AICT से प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम गर्ल्स छात्रों के लिए है और
स्पेशली एबल स्टूडेंट्स के लिए सक्षम स्कॉलरशिप की स्कीम AICTE द्वारा उपलब्ध की गई है, और एक विद्यासारथी के नाम से भी स्कॉलरशिप छात्र को दी जाती है। डिप्लोमा पास करने के पश्चात छात्रों के लिए भिन्न भिन्न फील्ड्स में स्कोप इस प्रकार से हैं। छात्रों के लिए जो जॉब है वह गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इंडस्ट्रीज में है। डिप्लोमा पास करने के पश्चात छात्र हायर एजुकेशन ले सकता है, वह बीटेक में एडमिशन ले सकता है। डिप्लोमा पास करने के पश्चात छात्र अपना भी रोजगार आरंभ कर सकता है। गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इंडस्ट्रीज में जॉब इस प्रकार से हैं। गवर्नमेंट में जॉब रेलवेज में, मेट्रो में और बहुत सारे सेंट्रल सर्विसेज में हैं, और इनके साथ ही डिफेंस और स्टेट सर्विसेज में भी डिप्लोमा पास छात्रों के लिए जॉब हैं। जो सेंट्रल सर्विसेज हैं उसमें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CPWD, बॉर्डर ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन हैं, और स्टेट लेवल की जो सर्विसेज हैं उसमें डिप्लोमा होल्डर्स के लिए PWD, PHED, RSEB में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और गवर्नमेंट में छात्रों को जॉब सेंट्रल या स्टेट रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा दी जाती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NTPC, NHPC, पावर ग्रिड, HMT, BSNL आदि में हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब छात्रों को एडवर्टीजमेंट और कैंपस के तौर के माध्यम से दिया जाता है। इंडस्ट्रीज, अगर हम कॉरपोरेट की बात करते हैं तो पावर सेक्टर, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में डिप्लोमा पास छात्रों के लिए काफ़ी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पावर सेक्टर में जैसे स्विट्जरलैंड है टाटा पावर, लार्सन एंड टुब्रो। टेलीकॉम में रिलायंस जियो, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड ITI। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में HCL, डेल, डीलिंक। मैन्युफैक्चरिंग में हीरो मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, L&T, अशोक लेलैंड और बहुत सारी कॉरपोरेट्स हैं जहां पर डिप्लोमा छात्रों के लिए जॉब उपलब्ध हैं। अगर हम स्ट्रीम वाइज देखें तो पावर सेक्टर में ही जॉब इलेक्ट्रिकल पास छात्रों के लिए हैं। IT में जो या कंप्यूटर साइंस में जिसने डिप्लोमा किया है उनके लिए जॉब हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स में जिसने डिप्लोमा किया उनके लिए भी जॉब हैं। टेलीकॉम में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए जॉब हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी जॉब हैं। मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रोबोटिक्स आदि में जिसने डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए जॉब उपलब्ध हैं। इंडस्ट्रीज, PSU या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो डिप्लोमा होल्डर छात्रों को पोस्ट ऑफर की जाती है वह है जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन, सर्विस इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, रोबोटिक मेंटेनेंस इंजीनियर और रोबोटिक टेक्नीशियन। डिप्लोमा पास करने के पश्चात अगर छात्र हायर एजुकेशन चूज करता है तो वह बीटेक में एडमिशन ले सकता है। बीटेक में दो प्रकार से एडमिशन होते हैं, एक तो फुल टाइम में है और दूसरा पार्ट टाइम में है। फुल टाइम कोर्सेज के लिए छात्र को सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाता है, और उसके लिए डिग्री केवल 3 साल की ही रहती है। और पार्ट टाइम कोर्सेज छात्र जो अपना जॉब कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि वह अपना जितने भी एक्सपेंडिचर है या खर्चे हैं वह अपने आप बियर कर सकते हैं।
और जो पार्ट टाइम कोर्सेज की सुविधा बड़े सिटीज़ में अवेलेबल है, कुछ इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी इवनिंग क्लासेज या वीकेंड क्लासेज कंडक्ट करती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के केस में डिप्लोमा होल्डर छात्र अपना कोई स्टार्टअप इनिशिएट कर सकता है और वह उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकता है। जहाँ पर प्लेसमेंट की बात है, संस्था स्तर पर सफल छात्रों के प्लेसमेंट हेतु संस्था की IISCL द्वारा इंडस्ट्री से संपर्क कर प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किया जाता है। संस्था में एक IISCL है, इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्री इंट्रैक्शन सेल, जो समय समय पर इंडस्ट्री से संपर्क में रहती है और इंडस्ट्री की आवश्यकता अनुसार प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करती है। इसके अतिरिक्त समय समय पर CEG जयपुर के द्वारा छात्रों के लिए पूल कैंपस का आयोजन भी किया जाता है। सेंट्रल लेवल पर सेंटर फॉर ई गवर्नेंस जयपुर है, वह छात्रों के लिए पूल कैंपस का आयोजन करता है। IISCL द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव के अतिरिक्त इंडस्ट्रियल विजिट एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाती है। जो छात्र नियमित रूप से संस्था में पढ़ रहे हैं उनके लिए IISCL द्वारा इंडस्ट्रियल विजिट कराई जाती है और द्वितीय वर्ष के पश्चात उन्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है। जो अन्य शैक्षणिक सुविधाएं संस्थान में हैं वो ऑनलाइन क्लासेस हैं, कॉलेज यूट्यूब चैनल पर ई लेक्चर्स की सुविधा उपलब्ध है, इंटरनेट तथा कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। ये एक ब्रीफ डिटेल है जिसमें ब्रांचेज हैं, योग्यता हैं, प्रवेश संबंधी आवश्यक जानकारियां हैं, विशेषताएं हैं इंस्टीट्यूट की और यहां पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। और एडमिशन से संबंधित कोई भी आपको इसके अतिरिक्त भी कोई सूचना चाहिए तो आप जो ये नंबर दिए गए हैं इसमें संपर्क स्थापित कर सकते हैं और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको करियर डिसाइड करने में सहायक होगा। थैंक यू।